जब 2002 के अंदर 10 साल बाद इंडस करोला को रिप्लेस करके करोला की 9th जनरेशन को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था, तो एक काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ थी, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आई थी। आज हमारे पास 2006 मॉडल की 1.8 एल्टस है, जो कि 2005 से लेकर 2008 तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आई थी। तो देखते हैं इसमें क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा थॉट, जो कलर है ये स्ट्रॉन्ग ब्लू, काफ़ी खूबसूरत रंग है और अपने टाइम पे बड़ा एक पसंद किया जाने वाला ये रंग था, और अगर आप इस रंग को देखें तो बहुत अच्छा लगता है। आज भी करोला स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर के अंदर आती है, लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग ब्लू है कुछ ऐसा हो गया है, मतलब अच्छा खासा ब्लू रंग था उसको स्ट्रॉन्ग ब्लू बुलाते थे, और अब स्ट्रॉन्ग ब्लू के नाम पे पर्पल गाड़ी बेच रहे हैं लोगों को। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंड में एक सरप्राइज है इस गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी के अंदर आपके पास टोयोटा का 1ZZFE इंजन आता है, ये 1800 cc 16 वाल्व का VVTi इंजन है, और ये इंजन जो है 120 हॉर्स पावर और 165 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है, और इसके अंदर आपका 5-speed मैनुअल और ये ऑटोमेटिक 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती थी। ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली है। 2002 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, तो टोयोटा की जो करोला की 8th जनरेशन थी वो पाकिस्तान में स्किप हो गई थी, जिसकी वजह से 9th जनरेशन जब आती है तो लोगों को काफ़ी ग्रैंडियर किस्म की गाड़ी लगी थी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की किसी गाड़ी में आई थी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये जो दो हेडलाइट्स होती हैं कि लो बीम और हाई बीम के लिए अलग अलग हाउसिंग होती है, ये इस गाड़ी के अंदर पाकिस्तान में पहली गाड़ी थी जिसके अंदर आपके पास आई थी। फिर नीचे बम्पर के अंदर आपके पास की फॉगलाइट्स थी, अगेन ये पहली गाड़ी नहीं थी जिसमें फॉगलाइट्स आई थी। और फिर ये जो रेडिएटर ग्रिल है, ये जो वर्टिकल लाइंस वाली, ये 2005 और 2006 और 2007 के शुरू तक आया था। 2003-4-5 के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस वाली ग्रिल आती थी, और फिर इसके बाद जो 7 और 8 के आखिरी साल थे उसमें एल्टस वाला जो ये वेरिएंट है इसके अंदर उन्होंने एक पूरी ग्रे ग्रिल विद क्रोम साइड्स एंड छोटा सा एम्ब्लम के साथ दी थी। फिर इस गाड़ी के अंदर आपके पास कंपनी से 15 इंच के अलॉय रिम्स आते थे। इस गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट अलॉय रिम्स इस वक्त डले हुए हैं, और साइड स्कर्ट जो आप ये नीचे देख रहे हैं ये एल्टस और एसी सैलून के अंदर आती थी, जो कि इस गाड़ी के अंदर आपके पास मौजूद है। क्लियर लेंस इंडिकेटर लाइट, बॉडी कलर्ड मोल्डिंग्स, ये सब चीज़ें आप इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों ने आफ्टर मार्केट के तौर पे, क्योंकि उस वक्त एक वो नया फैशन चल रहा था, इसे इंडिकेटर वाले मिरर्स लगाते थे, अलबत्ता वो बाय फैक्ट्री इस गाड़ी में नहीं आते थे। फिर अगर हम थोड़ा और पीछे की तरफ आते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो जो पीछे की लाइट्स हैं, अगर आप उसकी प्रोफाइल देखें तो वो जो मर्सिडीज़ बेंच की W210 आती है उसकी बहुत प्रोफाइल से इसकी मिलती जुलती लाइट्स की प्रोफाइल है। 1.8 VVTi करोला एल्टस ऑटोमेटिक बैम व्हील, सारे ज़रूरी एम्बलम्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। और मैं अगर आपको इसकी डिक्की खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, एज के साथ अगर आप कंसिडर करते हैं तो इसकी कंडीशन बहुत ही एक अच्छी कंडीशन में है, और अगर आप इसे ट्रंक स्पेस देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुली ट्रंक स्पेस है। गाड़ी के अंदर अगर आप दरवाजे की तरफ देखें तो आपके पास ये वुडन पैनल हुई हुई, ये इंटीरियर में भी आती है, ये 1.8 वाले वेरियंट में इसकी स्टैंडर्ड आती थी। प्लास्टिक के डोर हैंडल्स, ये जो गाड़ी का फैब्रिक है ये सीटों का और इसका दरवाज़ों का सेम होता था। ऊपर एक ग्रे लेदर राइट, ब्राउन लेदर राइट है, और नीचे बेज लेदर राइट है। अगेन जो बेज इंटीरियर है इस गाड़ी का ट्रिम, ये भी पहली पाकिस्तानी गाड़ी थी जिसके अंदर आपको बेज इंटीरियर का रूम मिलता था। और इसका ड्राइविंग पोजीशन जो है, जिसका ड्राइविंग पोस्चर है, अगर मैं उस पर बात करता हूँ तो वो आजकल तक मेरे ख्याल में ये बहुत कम गाड़ी है जिसका इस तरह का आपको ड्राइविंग पोस्चर मिलता है। यहाँ पर आपके पास आपके डोर मिरर्स आ जाते हैं, रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स इसमें नहीं आते हैं। उसके नीचे आपके पास एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस आ जाती है। यहाँ पे आपके पास इसकी ओरिजिनल जो कंपनी से फॉगलाइट आती थी इस वाले वेरिएंट में, वो और इंटरमिटेंट वाइपर का स्पीड कंट्रोलर, आपके पास ये दो चीज़ें जो कि इस गाड़ी में आती थी। अब इसका अगर स्टेयरिंग इटसेल्फ को देखते हैं तो जो लेदर स्टिच स्टेयरिंग विद एन एयर बैग, ये लेदर स्टिचिंग वाला स्टेयरिंग पहला था इस गाड़ी के अंदर, एयर बैग इंडस वाली करोला में अलबत्ता आ गया था। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये अगर आप मेरे साथ देखें तो ये पूरा आपको ब्लैक है, जो कि ये अगेन पहली चीज़ थी जिसमें, ये पहली गाड़ी थी जिसमें इस तरह ऑप्टोट्रॉन मीटर आता था। तो जो इस मीटर की खूबसूरती है, अगेन वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स ऑफ ऑल टाइम। बीच में आपके पास इसके अंदर 2 DIN का म्यूजिक सिस्टम आता था। इस गाड़ी के अंदर एक आफ्टर मार्केट स्क्रीन लगी हुई है, घड़ी, हैजर्ड्स,
एसी के कंट्रोल्स, ये इसके अंदर एक स्टोरेज स्पेस आती है और उसके नीचे ही आपके पास लाइटर आ जाता है, एशट्रे आ जाता है। लाइटर की जगह ईसीटी पावर मोड का बटन यहाँ पे पास आता है। प्रोपोगेट्री, ये जो जिगजैग वाला आप गियर कहते हैं, प्रोपोगेट्री गियर, ये इस गाड़ी में पहली गाड़ी थी पाकिस्तान में जिसमें ये वाला गियर आया था। अभी भी करोला में ही आते, सिटी या होंडा की प्रोडक्ट्स में तो नहीं आते। ये आपके पास एक और स्टोरेज स्पेस पे, ये कप होल्डर्स के तौर पर दो जगह इस्तेमाल होती हैं और इससे बंद खोल हो सकते हैं। जो आपका सेंटर आर्मरेस्ट है, फैब्रिक वही है जो सीटों का है, सीट पे आपको मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ द सीट कवर्स। एक और दो इसमें खांचे आप कह सकते हैं कि मौजूद हैं। ग्लव्स कंपार्टमेंट, अगेन एक बहुत ही डिसेंट साइज़ का इसमें ग्लव्स कंपार्टमेंट है आपके पास। ऊपर अगर आप आके देखते हैं तो आपके पास ये डोम लाइट्स आती हैं दो, यहाँ पे आपके पास मिरर आता है और पीछे बीच में आपके पास एक और डोम लाइट आती है। ड्राइवर को मिरर की ज़रूरत नहीं है। पीछे की सीट पे आते हैं तो आर्मरेस्ट के साथ आप इस तरह बैठे हैं। आर्मरेस्ट में आपके पास दो कप होल्डर दिए हैं और अगर मैं इस आर्मरेस्ट को ऊपर कर देता हूँ तो एक काफ़ी डिसेंट साइज़ की सीट आपको मिल जाती है। हेडरेस्ट दोनों सीट्स के अंदर आपके पास ये अलहदा अलहदा दिए हुए हैं जो कि पीछे की सीट को काफ़ी कंफर्टेबल बनाते हैं। लेग स्पेस आजकल की गाड़ियों के हिसाब से थोड़ा कम लूम पड़ता है, लेकिन जिस वक्त ये गाड़ी आई थी उस वक्त काफ़ी एक अच्छा लेग स्पेस था। सेम गोज विद द हेड स्पेस, काफ़ी मुनासिब हेड स्पेस है। यहाँ पे आपके पास एक अदद सिगरेट लाइटर पीछे भी आ जाता है। यहाँ पे अगर हम बिठाने चाहें तो तीन लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, इतनी जगह तो इस गाड़ी में है जी। तो अब मैं ये 1.8 एल्टिस चला रहा हूँ। गाड़ी का पिक बहुत अच्छा है बिकॉज जो 1.8 वाला इंजन है इस बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो द पिक ऑफ दिस कार इज़ वेरी वेरी नाइस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर इसकी रीसेल की, तो वो भी अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग रीसेल है इस गाड़ी की। इस गाड़ी की जो फॉलोइंग है, जो फ़ैन फॉलोइंग जिसको कहते हैं, एक नहायत ही कल्ट किस्म की फ़ैन फॉलोइंग है इस गाड़ी की, जिसकी वजह से इसकी रीसेल बहुत स्ट्रॉन्ग रीसेल है। अच्छा, फिर हम इसके बाद अगर आ जाते हैं गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी के ऊपर, तो टोयोटा है तो सस्पेंशन इज़ वेरी रगेड सस्पेंशन। इस गाड़ी का ड्राइविंग पोजीशन है, जो पोस्चर है जो आपको मिलता है, वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पर आप बैठ के गाड़ी चला रहे होते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो रियली नाइस। जो थोड़ी सी टॉल बॉडी डिज़ाइन है इस गाड़ी का, जिसकी वजह से इसमें बॉडी रोल अलबत्ता अच्छा खासा आपको महसूस होता है। और उसके बाद अगर हम इस पर बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर जो पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी, तो टोयोटा है, पार्ट्स आपको बड़े आराम से इसके मिल जाते हैं। बॉडी पार्ट्स हैवर इस वाली जनरेशन के अब आगे थोड़े से महंगे हो गए हैं। मतलब मैं आई वॉज सरप्राइज, इसकी जो पिछली लाइट है वो चार हिस्सों में होती है। उसकी जो एक आउटर लाइट है विच इज़ लाइक 25% पीछे की पूरी लाइटों का, वो मेरी आई है गाड़ी तो उसमें थोड़ी सी टूटी हुई थी, तो वो मुझे 9,000 रुपये की लाइट मिली है और काबिली लाइट, तो दैट इज़ समथिंग जो कि देखने वाली चीज़ है अलबत्ता इस गाड़ी में। अच्छा, फिर हम बात अगर करते हैं इस गाड़ी की ब्रेकिंग एंड हैंडलिंग के ऊपर, तो जो 2002 से लेकर 2005 तक गाड़ियाँ आई थी जिसके अंदर 1.6, 1.3 और 2 लीटर डीजल, ये तीन इंजन टाइप्स आते थे, ब्रेकिंग का इशू था। और जो 1.3 और 2 लीटर डीजल है उसका ब्रेकिंग का इशू आखिर तक रहा था। अलबत्त जो पेट्रोल 1.6 है उसको 2005 में 1.8 वाली गाड़ी से रिप्लेस कर दिया गया था। और ये 1.8 वाली जो गाड़ी है, दिस कम्स विद ABS ब्रेक्स, और ये ABS ब्रेक्स के होने की वजह से ब्रेकिंग का जो इसका इशू है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया था। विजिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये वाले जो लॉन्गर ए पिलर है, ये पहली गाड़ी थी पाकिस्तान में जिसके अंदर ये वाले ए पिलर आए थे। इससे पहले नॉर्मल जो पुराने एक डिज़ाइन फिलॉसफी चलती थी वही चलता था। इस लॉन्ग ए पिलर की वजह से फ्रंट विजिबिलिटी को उस ज़माने में काफ़ी अडॉप्टेबिलिटी में इश्यूज़ लोगों को आए थे। अलबत्त आज अगर मैं इस गाड़ी की विजिबिलिटी देखता हूँ, तो जिस पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं, जिस तरह से आपकी पूरी विजिबिलिटी है, बहुत एक अच्छी विजिबिलिटी मैं इस गाड़ी की कहूँगा कि है। फ्यूल इकोनॉमी पे अगर मैं आपसे एक और बात करूँ, तो तकरीबन 8 की एवरेज देती है ये वाली गाड़ी, 7.5-8 के करीब देती है 1.8 वाली गाड़ी। और अगर प्राइस पे हम बात करते हैं, तो अभी दिसंबर 2022 चल रहा है, इस वक्त इस गाड़ी की प्राइस जो है 2002 से अगर मैं 2008 तक जो ये गाड़ी आई थी और सारे वेरिएंट्स को अक्रॉस द वेरिएंट्स देखूं, तो मेरे ख्याल में आपको 8 लाख रुपए से इस शेप की करोला मिलना शुरू हो जाएगी।
और ये कीमतें इसकी जाएंगी 18 लाख रुपए तक, डिपेंडिंग कि आपका मॉडल क्या है, वेरिएंट कौन सा है, कंडीशन क्या है. कंडीशन इज़ अ वेरी बिग थिंग. मतलब 2006 की गाड़ी भी जो है ये आपको 12 लाख से 16 लाख रुपए की 18 लाख रुपए के दरमियान में मिलेगी, डिपेंडिंग कि उसकी कंडीशन कैसी है. आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं तो जो इंटीरियर फील आपको बैठे हुए जो पूरा फील मिलता है, इट्स वेरी प्रीमियम काइंड ऑफ अ फील. ग्रे ब्राउन बेज ब्राउन वुडन, इट ऑल कम्स डाउन टू अ वेरी प्रीमियम काइंड ऑफ एन इंटीरियर दैट दिस कार हैज़. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स. बाय द वे ये गाड़ी मेरी अपनी है, मैंने कल ही खरीदी है, तो इसके अंदर भी कुछ काम वाम भी होंगे तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा क्या क्या हो रहा है. अगली दफ़े के लिए अल्लाह हाफ़िज़.